हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं ना? आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ क्या दोस्तों, रिलेशन बिटवीन क्या मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है इससे, ये क्वेश्चन दोस्त पांच नंबर में पूछा जाता है। और क्या करना पड़ेगा आपको, जो पांच नंबर आ जाएगा तो करना कुछ नहीं है, मेरा वीडियो देखना है और आपको समझ में आ जाएगा। आप वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, लिख देंगे दोस्तों, और लिख देंगे तो आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, पांच नंबर मिलेगा दोस्त। ये एम वी वी आई है, ठीक है दोस्त, इसलिए आप लोग को इसको देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से एक लाइक कीजिएगा दोस्त, ठीक है। क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, यू वी एंड एफ मिरर फॉर्मूला, वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा वी माइनस प्लस वन बटा यू। तो दोस्तों हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा वी प्लस वन बटा यू सिद्ध करना है दोस्तों। क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है दोस्त, ठीक है। और क्या कर रहा है दोस्तों, सिद्ध करना है तो फ्रॉम किससे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर से सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि पांच नंबर हमको कैसे बोर्ड एग्जाम में हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है देखिए, एक तो हम कॉनकेव लेंस लिए, कॉनकेव मिरर लिए, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसको हम देखिए, फिगर आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग को मैं इस फिगर से स्टेटमेंट बता रहा हूँ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मान लिया कि एक अवतल दर्पण है, ये तो एक अवतल दर्पण है, मान लिया मैंने, क्या मान लिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष पी सी है दोस्त, जिसका प्रधान अक्ष पी सी, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा प्रधान अक्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा प्रधान अक्ष पी सी है, प्रधान अक्ष पर AO एक वस्तु है, प्रधान अक्ष पर क्या है मेरा AO, AO एक वस्तु है, प्रधान अक्ष पर AO एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब आई बी बनता है, जिसका वास्तविक तथा आई बी उल्टा प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब आई बी बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट दे दिए, इतना काफी है दोस्त, ठीक है, इतना काफी है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे जो हमको हो जाए, तो देखिए क्या करते हैं, तो समरूप त्रिभुज ए ओ सी तथा आई बी सी में, ए ओ सी कहाँ है दोस्त, ए यहाँ है, ओ यहाँ है, सी है, मतलब क्या, ये त्रिभुज ए ओ सी तथा आई बी सी में, आई बी सी मतलब क्या, ये त्रिभुज मेरा, ठीक है दोस्त, ये त्रिभुज मेरा। इसमें हम लोग मिरर फार्मूला जो पढ़े अभी वहां पढ़ रहे थे हम लोग, क्या कौन दोस्तों, उसमें भी वही किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बटा आई बी सेल्स पर टाइप से, ए ओ बटा आई बी बराबर किससे होगा, ओ सी बटा आई सी के, इतना बराबर ये हो जाएगा और इतना बराबर इतना बटा ये हो जाएगा, ए ओ बटा आई बी बराबर है ओ सी बटा आई सी के दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी से, ए ओ बटा आई बी, ए ओ बटा आई बी बराबर हम लोग ओ सी को निकाल सकते हैं ना, ओ सी को निकाल सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, अगर इतना में से इतना को हमने घटा दिया तो इतना तो मिल जाएगा दोस्त, तो यही हमने किया है पी ओ माइनस पी सी। और आई सी हम कैसे निकालेंगे, हेलो आई सी निकालना है, इतना निकालना है, पी सी माइनस पी आई कर देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा ना दोस्त, तो ठीक है। तो वही हमने किया है, पी सी माइनस पी आई किया है, तो इक्वेशन वन मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, क्या करता है, फिर समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा आई बी एफ में, एम एन एफ कहाँ है खोजिए आप लोग, एम है, एन है, कहाँ एन, एन यहाँ है और एफ यहाँ है, मतलब क्या, ये त्रिभुज दोस्तों, ठीक है, ये त्रिभुज तथा आई बी एफ में, आई बी एफ कहाँ है, आई है, बी है और एफ है, मतलब क्या, ये त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में। तो आप लोग जैसा इसमें किए सिमिलरली वैसा करेंगे, इतना बटा इतना, इतना बराबर इतना कर देंगे, तो एम एन बटा आई बी करेंगे, एम एन बटा आई बी करेंगे, एम एन बटा आई बी करेंगे दोस्त, तो एम एन बटा आई बी किए बराबर है कितना, एन एफ बटा आई एफ, एन एफ कहा है, एन एफ यहाँ इतना बटा इतना आई एफ, तो एन एफ बटा आई एफ किए, हेलो एन एफ बटा आई एफ किए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए ओ बटा आई बी, ये वाला ए ओ बटा आई बी बराबर है एन एफ, एन एफ बटा आई एफ के, ठीक है दोस्त, मतलब क्या, एम एन, एम एन जो है ए ओ के बराबर है, मतलब क्या, एम एन जो है यहाँ ए ओ के बराबर है, एम एन क्यों बराबर हुआ भाई,
एम एन बराबर ए ओ, ये दोनों सेम है ना दोस्त, इतना इतना और इतना, ये दोनों तो सेम आएगा समानांतर, अभी हम पहले बोलते हैं तो इतना बराबर इतना होगा। तो हमने क्या किया, एम एन को ए ओ लिख दिया बटा आई बी बराबर एम एन एफ बटा आई एफ के। ठीक है दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लिया कि एन एन जो है मेरा पी के बहुत बहुत निकट है, हेलो एम जो है एन पी के बहुत बहुत निकट है, क्या करते हैं मान लेते हैं, तो एन एफ इक्वल टू पी एफ, मतलब क्या एन एफ इक्वल टू पी एफ, मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एन एफ इक्वल टू पी एफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बटा आई बी बराबर है एन एफ, बट एन एफ पी एफ के बराबर किए हैं, तो एन एफ का मान हम लोग पी एफ डाल दिए यहाँ, और पी आई माइनस पी सी आई एफ हम लोग निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं तो पी आई माइनस पी सी कर देंगे, आई एफ निकाले मतलब क्या आई एफ निकाले, तो कितना करते हैं हम लोग पी आई माइनस पी एफ कर दिए, इतना निकालना है तो इतना में से इतना घटा दिए तो इतना निकल जाएगा दोस्तों, वही किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को और दो को क्या करेंगे हम लोग, हेलो समीकरण एक और दो को क्या करना है, देखना है हम लोग, देखते हैं समीकरण एक मेरा कहाँ है, ए ओ बट्टा आई बी, ए ओ बट्टा आई बी, ए ओ बट्टा आई बी दोनों समान हो गया, तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे ना दोस्त, समीकरण एक और समीकरण क्या कहते हैं इसमें देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद हमने इसको कुछ शॉर्ट में बताया है, देखिए तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, पी ओ, पी ओ माइनस पी सी, पी सी बट्टा पी सी क्या करेंगे, पी सी माइनस पी आई, पी आई क्या करेंगे इसको, अब समीकरण इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू अब क्या कहता है, पी एफ, पी एफ बट्टा क्या करेंगे, पी आई, पी आई माइनस पी एफ, पी एफ कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें हम और बता रहे हैं अभी कि कैसे होगा, कितना होगा, इसमें मान डालना पड़ेगा दोस्तों। इक्वेशन थ्री मेरा निकल गया था, इक्वेशन थ्री क्या आया था, पी ओ माइनस पी सी इजकल टू बट्टा में पी सी माइनस पी आई इजकल टू पी एफ बट्टा पी आई माइनस पी एफ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग इसमें मान वैल्यू पुट करेंगे, पुट करेंगे कितना आ गया देखते हैं, पी ओ जो हमारा पी ओ है, पी ओ तो माइनस यू, जो यू यू है इस साइड आएगा दोस्तों तो सब माइनस में आ जाएगा, कहा कि उस उल्टा है तो माइनस यू पी सी, पी सी पी सी मेरा कितना हो गया वी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका दो गुना हम लोग लिख सकते हैं, टू एफ हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस में टू एफ पी एफ, पी एफ पी एफ जो है मेरा माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी आई माइनस मतलब माइनस वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन थ्री में ये मानों को हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, समीकरण थ्री में ही मानों को रखने पे, इन मानों को हम लोग क्या कहाँ रखेंगे, समीकरण थ्री में रख दिए दोस्तों। देखिए पी आर पी ओ, पी ओ माइनस यू रखे, माइनस है तो माइनस किए, पी सी, पी सी कितना टू एफ रख दिए, पी टू एफ इतना मान निकाल दिए, इतना दोस्तों रख दिए। रखने के बाद क्या किया हम लोग, इसको काम क्रिया कर दिए, माइनस यू इसको माइनस माइनस प्लस टू एफ, माइनस टू एफ माइनस माइनस प्लस बी बटा में क्या करेंगे, माइनस एफ बटा माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो गुणात्मक गुणा कर देंगे, गुणात्मक गुणा के कर दिए इसको इससे और इसको इसके, मेरा इतना निकल गया, इतना निकल गया दोस्तों, इतना निकल गया, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को हम लोग क्या किए काट दिए, काटने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस भी अब तो है ही, और इतना काम कर दिए इसको, इतना और इतना इतना ला दिए, इसको इस साइड और इसको इधर करके दोस्तों, देखिए ये है ना दोस्तों यू एफ है, और एक प्लस में है दो माइनस में, हम लोग एक प्लस में आ जाएगा बराबर वी एफ, दोनों तरफ आप क्या करेंगे हम लोग यू वी एफ से क्या कर देंगे भाग दे देंगे दोस्तों, यू वी एफ से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो यू एफ बटा यू वी एफ प्लस वी एफ बटा यू वी एफ बराबर है यू वी बटा यू वी एफ के। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग इसको हम लोग क्या करेंगे यू यू से कट जाएगा, एफ से कट जाएगा, वी से कट जाएगा, एफ एफ से कट जाएगा, यू वी तो ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो हमारा बचा कितना भी, तो वन बटा भी प्लस वन बटा यू बचा, तो यू बराबर है वन बटा एफ, वन बटा एफ, अतः जो दोस्तों हम लोग निकाल देंगे तो वन बटा एफ इजकल टू वन बटा भी प्लस वन बटा यू, यू मेरा है क्या क्या है दोस्तों, मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला है दोस्तों, मिरर फार्मूला दोस्तों, यहाँ से हम लोग को पांच नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, पांच नंबर जब मिल जाएगा दोस्तों, पूछेगा तो आप लोग बेहतरीन इसी प्रकार ऐसे ही लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग ने पांच नंबर से कमाल कर लिया दोस्तों, और लाइक लेसन लमसम में खत्म ही होने वाला है, तो आप लोग दिल से एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।